जा भाई कैसे शर्मा शर्मा के हंसती है। बाबा फिर आए पीकाबू बाबा पीकाबू कर रहे हैं। हाँ जी मैडम जल्दी से नमाज पढ़ लो। फातिमा को जहाँ जहाँ बाद में करना, मैंने भी नमाज पढ़नी, जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। आपने नमाज पढ़ ली, आपने नमाज पढ़ ली, चलो अल्लाह अकबर करते ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आए माशाल्लाह। बाबा अजान सुना रहे फातिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। फातिमा जहरा को गोद में लेके फातिमा जहरा नाम का सदका मांगती हूँ अल्लाह ताला से। फातिमा जहरा मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रही थी, फिर मैंने इसे बाबा के साथ बाबा की शॉप पे भेज दिया तो वापस नहीं, तो ट्रॉफियाँ लेके आई है। ट्रॉफियाँ क्या खा रही हो फातिमा, कौन सी वाली कैंडी है? यमी मजे की है, मजे की है। चलो आप जाओ, मम्मी ने नमाज पढ़ ली, मैंने कुरान मजीद पढ़ना है, सूरत कहफ पढ़नी है, चलो आप जाओ जाओ ना, मेरी गोद से उठी नहीं रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दज्जाल और दज्जाल के फितनों से बचने के लिए हर जुम्मा नमाज के बाद सूरत काफ ज़रूर पढ़े। अगर आप पूरी सूरत काफ नहीं पढ़ सकते तो सूरत काफ 110 आयात की सूरत है, पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात पढ़े, इंशाल्लाह आप दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। हाँ जी ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह फातिमा थोड़ा सा पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु वतर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने पूरी सूरत काफ पढ़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं होता तो फिर मैं आखिरी और पहली 10 आयात पढ़ लेती हूँ। अब जाऊँ नाश्ता बनाऊँ, भूख लगी है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया ओए भैया आ जाए, आ जाए जल्दी से। भैया क्यों तंग कर रहे हैं बोलो, भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों तंग करते हो? वैसे तो हमारा एरिया बहुत महंगा है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, जैसे कि ये देखें 30 रुपये की हलीम, साथ में सैलड भी है मज़े मज़े का। नाश्ता मेरा रेडी हो गया है, मैं ज़रा हलीम निकाल लूँ। सुबहान अल्लाह फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लीमू बड़ा पसंद है मुझे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे तो गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन जब किचन में जाओ तो पता चलता है कि बहुत गर्मी है। फातिमा को मैंने बुलाया, मैंने कहा नाश्ता कर लो, नाराज़ हो गई, मैंने कुछ गलत कहा? मैं कुछ भी कह दूँ ना, बड़ी मम्मा की तरफ भागती भाग गई उधर। बहुत मिर्चें, अभी 30 रुपये की हलीम होती बड़े मज़ेदार है लेकिन बहुत मिर्चें होती हैं, और मैं सीसी कर रही हूँ। फातिमा ज़ारा मुझे चिढ़ा रही है। फातिमा अल्लाह चिढ़ा रही करी अल्लाह। हानिया भी सॉरी, हानिया भी देखो, हानिया रोज़ मेरे आगे कमरे में सोती है, हानिया को मेरा रूम बहुत पसंद है। फातिमा ज़ारा मैं आपसे नाज हो गई हूँ, बस मैं आपसे नहीं बोलती हूँ, आप मुझे चिढ़ा रही हो, मैंने आपको कभी चिढ़ाया? ये हकीकत है कि जब माँ खाना खा रही हो ना, बच्चे को उसी टाइम पोटी या पिशी आती है। मैं चाय पी रही थी, फातिमा ने कहा मम्मी पोटी, तो फातिमा को वॉश करके मैंने पॉट धो दिया है, पॉट कमरे में ही रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाता है। फातिमा जहरा के चंद कपड़े हैं, डेली हाथ पे धोती हूँ, ज़रा ये धो लूँ मैं। इन कपड़ों को सर्फ में अच्छे से रगड़ के मैंने रख दिया है, सर्फ अपना थोड़ा सा इन पे काम दिखा दे, इतनी देर में मैं बर्तन धो लूँ। मुझे की आवाज़ चल रही है, मुझे की हाँ, आपको भी अभी नैया नैया कराती हूँ, नैया नैया करनी है, नैया नैया करनी, नैया नैया। मैडम मैंने बर्तन धोने हैं, आप ज़रा मुझे किचन देंगी थोड़ा सा, थोड़ा सा सिंक देंगी? आप जब भी आती हो ना, आप किचन में खड़ी होती है, पूरे घर पे आपका कब्जा, किचन पे आपका कब्जा, काम इतनी है, मैं नहीं करूंगी, मेरे आधे शोहर पे आपका कब्जा, मजलूम मैडम, मजलूम मैडम। बर्तनों को अच्छे से धोया करें अंदर बाहर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन धो लिए, इस मग्गे में दूध था, इसमें चाय डाली थी, इससे छानी थी, इससे पराठा पकाया था,
इसमें पराठा रखा था, इसमें सारा लेके गई थी अपना नाश्ता। और ये फातिमा ज़हरा का फीड, रुक रुक, ये पतीली दिखाना तो भूल गई, इसमें चाय पकाई थी। शगुफ्ता आपा ने चढ़ा रखी है दाल, और दाल मैं नहीं खाऊंगी, तो आज मैं बनाऊंगी अपना अलग सालन, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फातिमा ज़हरा का फीड फ्रीज़र में रख दो। मैं अंदर बर्तन धो रही थी, बाहर कपड़े मुझे बुला रहे थे, कहते आ जाओ हमें धो लो। आ गई जी, आ गई, आ गई, अब आपको धो लो। ABC सुना रही है, धुल गए जी फातिमा ज़हरा के कपड़े। CDEFG, अब सब कहेंगे घर पीछे कितना गंदा सामान बिखरा हुआ है। क्या करें, घर छोटा है, सामान बिखरा हुआ नहीं है। शगुफ्ता आपने सेटिंग ही ऐसे कर रखी है घर की। फातिमा ईगल ईगल उड़ के चली गई बाग। लड़का ना दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ महानूर के कैमरे से डरता है, ये देख के डरा पड़ा है। नैया कराऊँ आपको, आपको नैया कराऊँ, अभी कराती हूँ। बाहर इतने सारे काम करके आई हूँ, अंदर ये कपड़े पड़े हुए, ये कह रहे हैं बहन हमें भी लपेट के ना कबड में रख दो। अब ज़रा इनको लपेट लूँ। लपेट लिए जी मैंने कपड़े, अब इनको रखो कबड में। हानिया ज़हरा यहाँ पर सो रही है, मैं कपड़े लपेटती रही मेरी बेटी और मैं क्या पढ़ते रहे फातिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने दिनों से सोफ़े का कवर उतरा हुआ है, इसको भी चढ़ाऊँ आज सोफ़े पर। ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंसान अकेले नहीं कर सकता, लेकिन उसे करने पड़ते हैं। सोफ़े का कवर बिछाना भी ऐसे ही है, ये मेरी अकेले का काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे हमेशा अकेले ही इसी तरह से ये देखे फिट कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैं आपको सुलाती हूँ, फातिमा ज़हरा को आ रही है नींद, मुझे भी वैसे थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लूँ, असर के टाइम उठ जाऊँगी। ये थी मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन। अभी जब मैं असर के बाद उठूँगी तो फिर ढेरों ढेर काम, सालन, दूध, ये वो छोटे मोटे ढेरों काम हो जाते हैं। और अभी मैं आपको अल्लाह हाफिज़ करने वाली हूँ, और मुझे तो याद है कि मैंने तो आप लोगों को कुछ सलाम ही नहीं किया। अब मैं ना आपको 3 टाइम सलाम करूँगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं चलो अगले व्लॉग में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, रुक, जुम्मा मुबारक तो मैं कहना भूल गई, जुम्मा मुबारक।